क्लास फाइव में लेसन थ्री मेजर लैंडफॉर्म आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य कलाकृति। मुख्य कलाकृतियों के बारे में जानकारी करेंगे इस सेशन में। लैंडफॉर्म द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म ऑफ आर इवन एट ऑल प्लेसेस। पृथ्वी सभी जगह एक समान नहीं है, सभी जगह समतल नहीं है। एट सम प्लेसेस इट इज हाई फील एट अदर प्लेसेज इट इज लो। यहां पर कुछ जगह यानी पृथ्वी पर कुछ जगह ऊंची है तो कुछ बहुत नीची है। दिस वेरिएशन इन द सरफेस क्रिएट वेरियस लैंडफॉर्म्स। यह जो विभिन्नता है पृथ्वी के सतह पर वह भिन्न भिन्न आकृतियों को दर्शाता है। लैंडफॉर्म्स आर नोन एज रिलीफ फीचर। ये जो भू आकृति है पृथ्वी को इसको रिलीफ फीचर के नाम से भी जानते हैं, यानी विभिन्न आकृतियों के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले है माउंटेन एंड हिल्स, पर्वत और पहाड़ियां। ए माउंटेन इज नेचुरल स्ट्रक्चर दैट राइजेज वेल अबव इट्स सराउंडिंग। ए माउंटेन असेंबली इज हाई रॉकी इलेवेशन विद स्लो फ्लाइट एंड पॉइंटेड आर राउंडेड टॉप। पहाड़ अपने चारों तरफ की भूमि से बहुत बहुत ऊपर उठा हुआ क्षेत्र होता है, आस पास की भूमि से बहुत ही ऊंचा उठा हुआ भूभाग होता है जिसको हम लोग पहाड़ कहते हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है वो संकरा होता जाता है और टॉप में यानी सबसे ऊपर इसका आकार नुकीला हो जाता है। ए हिल्स इज डिफरेंट फ्रॉम ए माउंटेन इन द सेंस दैट इज हाइट इज यूजुअली लेस देन 100 या 1000 मीटर। इट इज मच स्मॉलर देन ए माउंटेन। पहाड़ी थोड़ा सा भिन्न होती है इसे पहाड़ से, लगभग आकार तो इसी के जैसा होता है लेकिन इससे छोटी होती है पहाड़ी। पहाड़ के अपेक्षा पहाड़ी का आकार छोटा होता है। कर्कड़ीला पर शिला भी यदि कर्कड़ीला पर जाए लोग का बना हुआ पहाड़ी की जो ऊंचाई है 1000 मीटर से कम होती है। जैसे ही 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई होगा उसे हम पहाड़ की श्रेणी में माउंटेन की श्रेणी में रखते हैं। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया देयर आर द स्नो बाउंड हिमालय एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड दैट सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम द रेंज ऑफ एशिया। हमारे देश के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है संसार की सबसे ऊंची पर्वत मालाओं में से सबसे ऊंची पर्वत मालाओं में है। इसका फैलाव भारत से लेकर के एशिया तक है। मोस्ट ऑफ द माउंटेन एस्पीक आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर
इस अधिकतर भाग जो है माउंटेन के, जो हिमालय माउंटेन है उसके अधिकतर जो चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी होती हैं। द हिमालयन काउंसिल और श्री पैरालेल रेंजेस हिमालय में तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एज यू मूव नॉर्थवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द हिमालय यू इनकाउंटर हट द शिवालिक रेंज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ वुड ट्री, देन द लेजर हिमालय दैट गेट्स हैवी रेन स्नोफॉल इन विंटर, एंड फाइनली द ग्रेट हिमालय रेंज हैविंग द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेज व्हिच इज 8848 मीटर हाई अबव द सी लेवल। दिस रेंज इज परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो एंड नो प्लांट्स आर एनिमल्स लाइक पॉसिबल देयर। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं जो दक्षिण से शुरुआत करते हैं, तीन पारावे हैं, तीन समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं हिमालय में, तो दक्षिण से शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो पर्वत श्रृंखला है वो है शिवालिक की श्रेणियां, जिसमें घने जंगल होते हैं, बहुत ही अधिक पेड़ पौधे उसमें होते हैं और फलों के भी वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत से जानवर इस जंगलों में निवास करते हैं। इसके ठीक उत्तर शिवालिक की श्रेणिया, इसके ठीक उत्तर शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाओं के ठीक उत्तर लेजर हिमालय है, जिसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। लेजर हिमालय और इसके ठीक उत्तर में शिवालिक की श्रेणी में जो है अब वो भारी स्नोफॉल होता है, अधिक वर्षवृष्टि होती है और इसके जब ठीक उत्तर में जो है ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय बृहद हिमालय इसी श्रेणी में माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर का है, अधिकतर भाग इसके बर्फ के ढके होने के कारण यहाँ जनजीवन संभव नहीं हो पाता है, जीव जंतु नहीं हो पाते हैं, पेड़ पौधे नहीं हो पाते, नहीं हो पाते। अब हम लोग देखेंगे फीचर ऑफ माउंटेन, पहाड़ों का स्वरूप, पर्वतों का स्वरूप, द हायर एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन रिमेन कवर्ड विथ स्नो फॉर ए बेटर पार्ट ऑफ द ईयर, सो द वेजिटेशन इन दिस पार्ट इज एस्केप्ड। पहाड़ों की अधिक ऊंचाई के कारण जो उसकी चोटियां होती हैं, जो उसके भाग होते हैं बर्फ के ढके होते हैं, फलस्वरूप इस भाग में वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ड्यू टू द एल्टीट्यूड स्लोप एंड एक्सट्रीम कोल्ड, जो इसके ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहां अत्यधिक ठंडी पड़ती है। द माउंटेन रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इनी पॉपुलेशन,
इस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों में संसार की सबसे कम जनसंख्या, बहुत सी कम जनसंख्या पाई जाती है। पीपल मोटली लिव ऑन द फुट हिल्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन। कुछ लोग इस पर्वत की तलहटी में सबसे निचले भाग में निवास करते हैं, जो सबसे निम्न भूमि होती है, सबसे नीचे वाली भूमि होती है, जहां पर बहुत अधिक ठंडी नहीं पड़ती है, वनस्पति भी उगते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जनजीवन होता है, जनजीवन उपलब्ध है। द माउंटेन फॉर्म ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट वाइंड। पहाड़ जो है, जैसे हमारे देश के उत्तर में हिमालय है, उसी को लिया जाए तो यह एक बैरियर की तरह होता है। कोई भी पर्वत एक बैरियर यानी अवरोधक के रूप में स्थित होता है कि वह ठंडी हवाओं को या गर्म हवाओं को रोकने का काम करता है। द स्नो फील्ड माउंटेन आर द सोर्सेज ऑफ मेनी रिवर, मैनली रिवर ऑन द अर्थ। बर्फीले पहाड़ों में, जो पहाड़ बर्फ के होते हैं, उन पहाड़ों से बहुत सारी मुख्य नदियां भी संसार की निकली हुई हैं। माउंटेन का रिच फ्लोरा एंड फौना, या जो पहाड़ जो होते हैं, वनस्पति और जीव जगत का एक तरह से घर होता है। दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एंड रीजन अराउंड देम आल्सो डेवलप एज ग्रेट टूरिस्ट स्पॉट्स। पहाड़ बहुत सारे मिनरल्स का, बहुत सारे खनिजों के स्रोत भी होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो बहुत ही मनमोहक होते हैं और पर्यटक स्थल बनाए जाते हैं, जहां पर बहुत सारे पर्यटक संसार के जाकर घूमते हैं, देखते हैं। इस तरह से बहुत से फायदे हैं माउंटेन के। माउंटेन वर्षा का कारण भी होता है। इसके बाद है दूसरा, लैंडफॉर्म प्लेट्यू। प्लेट्यू पठार, प्लेट्यू आर ऑल्सो हाईलैंड बट दे हैव ए प्लेटो। प्लेट्यू यानी पठार भी एक ऊंची भूमि है, पहाड़ की तरह ही, हालांकि पहाड़ की ऊंचाई कम होती है, लेकिन जो आकार नीचे से होता है वो बिल्कुल माउंटेन की तरह होता है। बट ऊपर में जाकर के जो पहाड़ में नुकीली चोटी होती है, जो पर्वतों में ये नुकीली चोटी होती है, वह पठार में समतल हो जाता है। ऊपर का जो भाग जो रथ होता है, लाइक टेबल, टेबल का जो आकार होता है, जब उसी तरह से पठार का आकार होता है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज बाय स्लोप। ये जो इसका जो विस्तार जो होता है, ऊंची भूमि जो होती है, वहां उसके चारों ओर जो स्लोप होते हैं, और जैसे मैं थोड़ा नागपुर का प्रसार होता है। प्लेट्यूज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स। पठार जो है लगभग सभी महाद्वीपों में, हमारे धरती पर जितने भी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों में पठार हैं, पठार पाए जाते हैं। अब फीचर्स ऑफ द प्लेट्यू में ही देखा जाए, फर्स्ट पॉइंट में माउंटेन रखा गया, प्लेट्यू का स्वरूप, प्लेट्यू से फायदा। द वेजिटेशन इन प्लेट्यू डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, किसी भी पठार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न वनस्पति होती है। लो प्लेट्यूड आर ऑप्शन फार्मिंग रीजन, विल हाई प्लेट्यू आर अजली सुटेबल फॉर द रीजन ऑफ कैटल एंड सी। पठार जो थोड़ा सा निम्न होता है, नीचा होता है, उत्तल होता है, वहां खेती करने लायक भूमि होती है, जिस पर लोग खेती करते हैं।
परंतु जो भाग थोड़ा ऊंचा होता है, भारी होता है, वह क्षेत्र पशुपालन के रूप में ले लिया जाता है। पशुओं को चराया जैसे भेड़ बकरियों को वहां ले जाकर के चराते हैं, पालते हैं। सम ट्रैफिक आर एक्टिवली लार्ज एंड कवर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर, कुछ पठार जो है सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए। फॉर एग्जाम्पल द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज ए लार्ज प्लेट्यू विच एक्सटेंड ओवर एट इंडियन स्टेट्स। जैसे मैं भारत में दक्कन का पठार ले लिया जाए, ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका विस्तार इतना है कि सात राज्यों में यहां फैला हुआ है, भारत के सात राज्यों सॉरी आठ राज्यों में फैला हुआ है। प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल सोर्सेज, पठार खनिज संपदा में घनी होते हैं, खनिज अधिक मात्रा में पठारी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर के पठारी भाग में खनिज है। इन इंडिया इज रिच इन कोल आयरन और बॉक्साइट मैग्नीट एंड कॉपर, धनी है भारत इन सब खनिजों में। सम ऑफ द प्लेट्यू हैव डीप कैन्यून सच एज द ग्रैंड कैन्यून इन द कोलोराडो प्लेट्यू ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जो पठार है उसमें ये सब खनिज पाए जाते हैं। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू आवर प्लेट्यू, कुछ नदियां भी जो होती हैं पठारी भाग से होकर बहती हैं और आसपास के क्षेत्रों को सिंचित करती रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन। प्लेन्स आर लोलैंड दैट एक्सटेंड ओवर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, मैदानी मैदान जो है मैदानी भाग जो है हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ। देयर आर नो ग्रेट चेंजेस इन एलिवेशन अक्रॉस प्लेन, मैदानों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, ये बिल्कुल समतल होते हैं, हरे भरे होते हैं। प्लेन्स आर जनरली फॉर्मड बाय रिवर दैट राइज इन द माउंटेन एंड फ्लो डाउन, मैदानी भागों का निर्माण जो है अधिकतर पहाड़ों से निकली हुई नदियों के कारण होता है। इन द प्रोसेस दीज रिवर्स डिपॉजिट सैंड एंड सिल्ट अलोंग दी रिवर बेड, नदियां जो अपने साथ जो मिट्टी और गाद लेकर के आती है, खरपतवार लेकर आती है, अपने दोनों किनारों पर बिछा देती है, जिससे कि वह क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्थर्न प्लेन इन इंडिया हैव बीन फॉर्मड बाय द रिवर गंगा, उदाहरण के रूप में हमारे देश में गंगा का मैदान है जो गंगा नदी के द्वारा बना हुआ है, बहुत ही विशाल और बहुत ही हार्डी मैदान है। प्लेन्स कैन बी फाउंड अराउंड द सी और इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, कुछ मैदानी भाग समुद्र और महादेशों के बीच समुद्र के किनारे जो कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं वो भी बहुत ही उपजाऊ और अच्छे होते हैं। फीचर्स ऑफ प्लेन्स में द सिल्ट डिपॉजिटेड बाय द रिवर मेक द प्लेन वेरी फर्टिल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, नदियों के द्वारा जो मैदान बनाए गए हैं उनके खरपतवार से मिट्टी से वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं और कृषि के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द प्लेन, अनेकों प्रकार के अनाज इन मैदानी क्षेत्रों में उपजाए जाते हैं। प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड कंपेयर्ड टू द माउंटेन्स एंड प्लेट्यू, मैदानी भाग की जो जनसंख्या है वह काफी घनी होती है पर्वतीय और पठारी भागों की अपेक्षा। मेनी टाउन्स एंड सिटीज आर लोकेटेड इन द प्लेन, अनेकों नगर शहर इस मैदानी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। इवन इन द अर्लियर पीरियड मेनी इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द रिवर बैंक, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड रिच फर्टिल सॉइल मेक द प्लेस बेस्ट सूटेड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, बहुत से
सिविलाइजेशन यानी जो सभ्यताएं जो है संसार की अधिकतर नदी घाटियों में ही बसी, बहुत से नगर नदी घाटियों में ही बसे। कारण था कि वहां की मिट्टी काफी सौतली, खेती करने के उपयुक्त, इसके अलावा नदियों की व्यवस्था जहां से पानी आसानी से मिल सके, यातायात की भी अच्छी व्यवस्था इन सब क्षेत्रों में होती है, जिसके फलस्वरूप मानव जो है इन क्षेत्रों में बसना शुरू हो गया। इसके बाद रीवा, ए रिवर असेंबली बिल्ट इन द माउंटेन्स एंड इट्स इट्स जर्नी इन ए सी आर एन ओशियन। नदी प्रायः पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों से इसका जन्म होता है और यह एक लंबी यात्रा करते हुए समुद्र में जाकर के इसकी समाप्ति होती है। समुद्र में मिलने के साथ ही नदी का समापन हो जाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस जर्नी, इस यात्रा के दौरान इट पासेज टू थ्री डिफरेंट स्टेज, और तीन स्टेजों में तीन हालातों में ये जो है अपने को बनाती है, तीन दशाएं उत्पन्न होती है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिवर इट इज अपर आर यूथफुल स्टेज, जो पहली अवस्था होती है नदी की वह युवावस्था होती है। इन दिस स्टेज द फ्लोज रैपिडली डाउन द माउंटेन स्लोप एंड कट थ्रू द माउंटेन फॉर्मिंग ए वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल रैपिड एंड कैनियन। बहुत से नदियां जो शुरू में जो चलती है पर्वतों से, तो उनमें बहुत ही अधिक स्पीड होता है, जिसके कारण वो पहाड़ों को पत्थरों को तोड़ती काटती हुई बढ़ती है और उनका आकार ये भी आकार का होता है, इसमें से नदियां जो है बढ़ती है, चौड़ाई कम होता है, रफ्तार इसमें स्पीड जो है नदियों में ज्यादा होता है और उनके साथ पत्थरों को मिट्टियों को काटते हुए तेजी से वो नीचे की ओर बढ़ती है। दूसरा स्टेज में है द सेकेंड स्टेज ऑफ द मेट्योर स्टेज ऑफ द रिवर बिग्स एट इट्स इंटर द प्लेन्स, जैसे ही वो मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, तो नदियों की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। हेयर इट इज स्वेल्स एंड वीकेंड ब्रॉड एंड इट्स ज्वाइंट बाई इट्स ट्रिब्यूटरी, वे इन क्षेत्रों से नदियां जो उसमें मिल जाती हैं, जिसे ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, सहायक नदी कहा जाता है, सहायक नदियों से जो है मिल जाती है। इन डिपोजिट सिल्ट ऑन इट्स साइड मेक देम फर्टाइल, और इसी क्षेत्र में उन नदियों के साथ मिलकर के उन नदियों से और बाकी जो मेन नदी होती है उससे जो सिल्ट और जो मिट्टी होती है उन क्षेत्रों में फैलना शुरू हो जाता है, जिससे कि उस क्षेत्र की जलवायु सॉरी उस क्षेत्र की भूमि जो है जमीन जो है काफी फर्टाइल हो जाती है। इट्स द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीज इन दिस स्टेज, इस क्षेत्र में यानी मैदानी क्षेत्र में जो नदी की जो रफ्तार है वो थोड़ा धीमी हो जाती है। इन दिस स्टेज द रिवर मेक्स मिंडर ऑफ लोस, इस क्षेत्र में जो है नदी जो है बिल्कुल शांत अवस्था में बहती है और इसका जो विस्तार होता है काफी अधिक होता है, जो इसके जो पार की जो चौड़ाई होती है अधिक होती है। द थर्ड स्टेज ऑफ द रिवर इज आल्सो नोन एज द ओल्ड स्टेज, और जो तीसरा जो स्थिति होती है, तीसरा जो उसकी दशा होती है, हालात होते हैं, जो स्टेज होता है वह ओल्ड स्टेज होता है। द माउंट द मूवमेंट ऑफ द रिवर बिकम्स वेरी स्लो इन दिस स्टेज, यह जो तृतीय वर्षा होती है नदी की उसमें उसकी गति
बिल्कुल धीमी हो जाती है, जो उसके बहने का जो उसके धाराओं का जो प्रवाह होता है बहुत ही धीमी हो जाता है। जस्ट बिफोर एंटरिंग द सी इट ब्रांचेज आउट इनटू मेनी स्मॉल एस्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। यह जो है नदी समुद्र में मिलने से पहले कई धाराओं में बढ़ जाती है जिसको भी तालिकाएं कहते हैं। सी इस नदी जो है इस समुद्र में मिलने से पहले ही कई धाराओं में बढ़ जाती है। इंग्लैंड का डेल्टा बाई डिपोजिटिंग द सेडिमेंट इस एट दिस स्टेज द रिवर आल्सो मेक ए ट्रायंगल इंग्लैंड का डेल्टा बाई डिपोजिटिंग द सेडिमेंट्स। इस अवस्था में नदी जो है कई त्रिभुजा का अस्थलाकृतियों का निर्माण करती है, अस्थलाकृतियों का निर्माण होता है जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं और यह बहुत ही उपजाऊ होता है। द सुंदरबन डेल्टा इन इंडिया इज फॉर्मड बाय द रिवर गंगा, अनदर एग्जांपल ऑफ ए डेल्टा इज द नील डेल्टा इन अफ्रीका। तो हमारे देश में जो सुंदरबन नाम जो डेल्टा है जो समुद्र में गंगा को मिलने से पहले ही इसका बनावट है त्रिभुजाकार जो सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में भी नील डेल्टा है जो नील नदी के द्वारा बनाया गया है समुद्र में मिलने से पहले जो बहुत ही उपजाऊ और लाभदायक होते हैं। इसके बाद है डेजर्ट मरुस्थल। डेजर्ट आर हॉट एरिया ऑफ सैंड एंड रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर। पांचवा पॉइंट है डेजर्ट मरुस्थल। यह क्षेत्र बालू से आच्छादित होता है, बालू से भरा होता है, यह क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता, या यहाँ की भूमि बंजर होती है और यहाँ वर्षा बहुत ही कम या नहीं के बराबर नहीं होती है। फलस्वरूप यहाँ जो है जलवायु होती है बहुत ही एक्सट्रीम होती है, अधिक ठंडी और अधिक गर्मी। बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन दीज आर लिमिटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन नेचर। बहुत ही कठोर जलवायु होने के कारण यहाँ की जो हालात होते हैं वो वनस्पति या जीवों के लिए उपयुक्त नहीं होते। फीचर्स ऑफ डेजर्ट मरुस्थल का स्वरूप देखें। द डेजर्ट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट। मरुस्थल की जलवायु अत्यंत ही कठोर होती है। द डे आर वेरी हॉट एंड नाइट आर कोल्ड इन द एरिया। मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन बहुत अधिक गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती है। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा होती है। सैंड स्टॉर्म आर कॉमन इन डेजर्ट। धूल भरी आंधियां बालू भरी आंधियां इन क्षेत्रों में चलना प्राय कॉमन रूप में मैंने हमेशा चलते रहते हैं। एज द वाइंड फ्लो द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सैंड ड्यून्स आर फॉर्म। इन आंधियों में बालू एक जगह से होकर के दूसरी जगह मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब आंधियां आती है सैंड फ्रॉम आता है तो जो बालू के जो कण होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा करके आच्छादित हो जाते हैं जिससे छोटे छोटे टीले बन जाते हैं बालू के जिसको हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं, बालू के टिब्बे या बालू के टीले कहते हैं। सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड। जो बालू के टीले होते हैं एक छोटी पहाड़ी के रूप में होते हैं। डेजर्ट आर ऑफ टू टाइप मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। ऑसेस आर ए स्मॉल वाटर फोर्स दैट स्प्रिंग अप ए
एट सम प्लेसेस इन द डेजर्ट डेट पाम ग्रो अराउंड एन ओएसिस। मरुस्थलों में कहीं कहीं ओएसिस होते हैं। ओएसिस इज एन एरिया द वाटर बॉडी यानी जहां पानी के स्रोत पाए जाते हैं जिसको हम लोग ओएसिस करते हैं और उसके कारण डेट के यानी खजूर के बीच उगते हैं। उसी के आसपास थोड़ी बस्तियां भी बसती हैं। डेजर्ट आर सिविली लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। मरुस्थल अधिकतर जो है हमारे संसार में वो किसी भी देश अथवा महादेश के पश्चिमी भाग में ही होते हैं। सम ऑफ द फेमस डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर द सहारा इन अफ्रीका। संसार में कुछ मरुस्थल है जैसे सहारा का मरुस्थल अफ्रीका महादेश में है, थार घाट मरुस्थल थार डेजर्ट जो हमारे देश भारत में है, ग्रेट स्कैंडी डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड पैटेगोनिया इन साउथ अमेरिका। तो यह लेसन समाप्त होता है मेजर लैंडफॉर्म्स। इसके बाद इसकी मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कल लिखा दिया जाएगा। थैंक यू।